श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक नंबर 3। तो अब तक हमने देखा चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण से बलराम की उत्पत्ति होता है, विस्तार होता है, बलराम से महासंकर्षण, फिर आके महाविष्णु या कारंद कषाय विष्णु, फिर आगे गर्भोदय कषाय विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, महाविष्णु के शरीर से अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है उनके श्वास छोड़ने से, फिर गर्भोदय कषाय विष्णु ने आके देखा कि अंधकार ही अंधकार है, तो उन्होंने क्या किया कि रहने योग्य नहीं है, तो पूरा आधा ब्रह्मांड उन्होंने अपने पसीने से भर दिया, और जो शुद्ध विशुद्ध पवित्र जल है तो उसमें भगवान फिर अनंत शेषनाग में शयन करते हैं, जिनके हजारों हजारों आँखें हैं, फन है, मुख है, तो ये दिव्य सर्प है और वो स्वयं बलराम ही है जो भगवान की सेवा करते हैं। और फिर गर्भोदय कषाय विष्णु के नाभि कमल से एक कमल पुष्प निकला जिसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। आगे हम 103 नंबर श्लोक अभी पढ़ रहे हैं। श्री पद्मनाले होइल सद्द भुवन तेहो ब्रह्मा होया सृष्टि करिल सृजन। उस कमल के नाल के भीतर 14 भुवन थे, नाल के भीतर 14 भुवन थे। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के रूप में सारी सृष्टि का सृजन किया, और भगवान विष्णु के रूप में सारे जगत का पालन करते हैं, और समस्त भौतिक गुणों से परे होने के कारण भगवान विष्णु का भौतिक गुणों से किसी तरह से स्पर्श नहीं होता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी सृष्टि करना है तो रजोगुण को धारण करते हैं, शिव जी तमोगुण को और भगवान विष्णु सत्वगुण को। श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि यद्यपि विष्णु भौतिक जगत में सत्वगुण के अधिष्ठाता देव है, किंतु ये सत्वगुण से कभी भी प्रभावित नहीं होते। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसमें विष्णु जो है वो क्षीरोदय कषाय विष्णु है। वामन पुराण में कहा गया है कि वही विष्णु विभिन्न गुणों के निर्देशन करने के लिए ब्रह्मा तथा शिव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो भगवान विष्णु से ही ब्रह्मा जी और फिर शिव जी का विस्तार होता है। वे रुद्र का रूप धारण करके सृष्टि का संहार करते हैं, और इस तरह सृजन पालन तथा संहार उनकी इच्छा से होता रहता है। रुद्र रूप धोड़ी करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाए जहार। और वे परमात्मा हिरण्यगर्भ अर्थात भौतिक जगत के कारण है, और हिरण्यगर्भ कौन है? ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी के भी कारण है, और विराट रूप उनका अंश माना जाता है, यानी नित्यानंद या बलराम ही समस्त जो भी आगे विष्णु का विस्तार हुआ उसका मूल माना जाता है, और क्षीरोदय कषाय विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक है, और शेषनाग उनके अंशांश है। तो ये वाला अध्याय जो है हम बलराम के महत्व को जानने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसमें आगे 112 श्लोक में बताया गया है, सकल जीवेरति होय अंतर्जामी जगत पालकति हो जगतेर स्वामी। ये सारे जीवों के परमात्मा हैं, वे इस भौतिक जगत का पालन करते हैं और वे इसके स्वामी हैं। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि इस ब्रह्मांड में विष्णु लोक का वर्णन लघु भागवतामृत में प्राप्त है, जो विष्णु धर्मोत्तर से लिया गया है। रुद्र लोक अर्थात भगवान जो शिव जी के लोक है उसके ऊपर विष्णु लोक नामक ग्रह है, जिसकी परिधि 400,000 मील है, और जो किसी भी मर्त्य प्राणी के पहुँच से बाहर है, यानी जो भी मनुष्य है या कंडीशन सोल है या बद्ध आत्माएं हैं वो वहां नहीं पहुंच सकते हैं। तो विष्णु भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित वहां शयन करते हैं,
और इस प्रकार जो है भगवान भौतिक जगत का भी देखभाल करते हैं। डायरेक्टली कृष्ण डायरेक्टली नहीं देखते हैं, लेकिन भगवान ही भौतिक प्रकृति को सक्रिय बनाते हैं। वास्तविक धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने और अधर्म के सिद्धांतों का विनाश करने के लिए भगवान विभिन्न युगों तथा मन्वंतरों में विविध अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। देवगणे ना पाए जाहर दर्शन, क्षीरोदक तीरे जाय करे नष्टवन। भगवान के दर्शन पाने के लिए, दर्शन नहीं मिलता ना देवता गणों को भी, तो वो क्षीर सागर के तट पर जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक आदि लोकों में रहने वाले स्वर्ग के निवासी भगवान के वो लोग भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, तो मनुष्य का क्या ही है। तो वे द्वीप तक नहीं पहुंच पाते, केवल क्षीर सागर के तट पर पहुंच कर स्तुति करते, स्वेत द्वीप तक नहीं पहुंच पाते हुए। तब वे भौतिक संसार का पालन करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, और ये भगवान विष्णु नित्यानंद प्रभु के पूर्णांग के अंश के भी अंश हैं, क्षीरोदकशाय विष्णु, और वे भगवान नित्यानंद समस्त अवतारों के उद्गम हैं। नित्यानंद यानी बलराम से ही शेषनाग है, तो उनके हजारों फैले हुए फन सूर्य को भी मात देने वाली चमचमाती मणियों से सज्जित है। मणि है, जैसे सांप में मणि होता है, तो सूर्य की रोशनी को भी मात देने वाले मणियों से सुसज्जित है दिव्य सर्प, जो बलराम का ही एक्सपेंशन है, विस्तार है। सहस्त्र विस्तीर्ण जार फणार मंडल, सूर्य जिनी मणि गण करे जलमल। ये ब्रह्मांड जिसका व्यास 50 करोड़ योजन है, उनके एक फन पर इस तरह टिका है जैसे सरसों का बीज हो। फन इतना बड़ा, आप सोचिए कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, वो सरसों के बीज जैसा लगता है, इतना छोटा सा है शेषनाग के फन पर जो टिका हुआ है। वे अनंत शेष ईश्वर के भक्त अवतार हैं, वे भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। ये 120 श्लोक है। शेत अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वरेर सेवा बिना नाही जाने आरो। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है, तो वो भगवान की सेवा के बिना और कुछ नहीं जानते। तो उन्हीं को शिक्षा प्रदान करने के लिए बलराम सेवक भगवान बने हैं। कृष्णा सेव्य भगवान है, बलराम सेवक भगवान है। और हमें हम देखते हैं कि हर हर लीला में बलराम भगवान की सेवा में है। जब भगवान कृष्ण आगे विष्णु का विस्तार कर रहे हैं, तो स्वयं शेषनाग बनकर भगवान भगवान को शयन करने के लिए जो है वो बिस्तर बन जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज से 500 साल पहले आए भगवान कृष्ण, तो नित्यानंद के रूप में आके उनको सहायता करते हैं। स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि अयोध्या महात्म्य अध्याय में इंद्रदेव ने अपने समक्ष लक्ष्मण के रूप में खड़े भगवान शेष से प्रार्थना की, कृपया अपने नित्य धाम विष्णु लोक को चले जाए, जहां आपके अंश शेष अपने फनों समेत उपस्थित है। तो लक्ष्मण कौन है? वो शेषनाग है। यानी राम अवतार में भी राम जी भगवान कृष्ण है, तो लक्ष्मण शेषनाग है, बलराम है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि हर लीला में भगवान का जो है लीला में भगवान के सेवक के रूप में लक्ष्मण ने कितनी सेवा की राम जी की, हम सब जानते हैं। तो हमेशा शेषनाग यानी बलराम आते रहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।